हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सबका फिर से एक नया वीडियो में। अभी हमें जमालपुर जंक्शन के पास और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुंबई LTT यहां से डायरेक्ट जमालपुर से पटना के लिए जो जाती है वो गाड़ी मेरी छूट गई है। और अभी नहीं तो हम डायरेक्ट 12:30 बजे लमसम हम सोनू सूद के अपना जो बापू सभागार है पटना में वहां पर मौजूद होते हैं। हम और कन्हैया साथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है। कन्हैया है तो फिलहाल हमको आपको यही बताना है कि उसमें मेन जो है सोनू सूद वहां आने वाले हैं। वो 3 से 4 से 5 के लमसम मतलब 2 बजे के बाद ही सोनू सूद पटना बापू सभागार में आएंगे। वो तो पता ही होगा आपको, जो जिससे कि हिसाब से हम सच तक न्यूज़ जो देखते हैं मनीष कश्यप सर का, फिलहाल उसी के वीडियो के थ्रू हम बता भी रहे हैं कि मतलब आशंका एक तरह से मतलब अनुभव कर सकते हो कि 2 से 5 के बीच में ही सोनू सूद सभागार बापू सभागार जो पटना में वहां पे आएंगे। लेकिन वो मेरा जो शो था वो छूट गया। फिलहाल टिकट भी ऑनलाइन बुक कर ही लिए थे और मेरा फ़ोन में प्रिंट है, ऑनलाइन बुक कर लिए थे कन्हैया और हम दोनों का, मतलब 599 का टिकट था जो कि बुक कर लिया, वो भी मेरे पास चला गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल हम यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे एंड वहाँ से जब बापू सभागार से जो भी प्रोग्राम होगा अंदर में, अंदर तो जा नहीं पाएंगे लेकिन अगर प्रोग्राम होगा उसके बाद जब बाहर आएंगे सोनू सूद और उसके बाद जो भी होगा वो हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल जमालपुर में देख सकते हो, जमालपुर जंक्शन के पास, और जाने की कोशिश करेंगे। आपको जब वहाँ से निकलेगा आप ये भी समझ लेना कि अगर गरीब भी हो कोई भी बिहार में तो गरीब भी ज़्यादा है, अमीर भी ज़्यादा है, अम्बेसडर बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांड अम्बेसडर भी है, बहुत मतलब पैसे वाला नीचे सब लेवल का आदमी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जाने का मतलब अंदर जाने का 599 से स्टार्ट ही होता है, 599 से वहाँ अंदर का टिकट स्टार्ट होता है बापू सभागार में जाने के लिए। अगर आप अगर आप सोनू सूद का मतलब जो कि प्रोग्राम होगा अंदर में बापू सभागार में उसमें आप जाओगे तो 599 का टिकट लगेगा। लेकिन अगर जो गरीब है जो कि वहां तक नहीं पहुंच सकता है उसके लिए सोनू सूद खुद बाहर आएंगे और जो भी सेलिब्रिटी वगैरह वो सब बाहर आएंगे, उसके बाद अपना ऑडियंस से अपना फॉलोवर से मिलेंगे तो उसी के थ्रू हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जाने का तो अंदर के लिए टिकट हम 2 दिन पहले काट लिए थे, कन्हैया साथ में है, वो प्रूव है मेरे साथ, तो वो आपको दिखा देंगे बाद में, वो पहले काट लिए थे लेकिन जा नहीं पाए। LTT एक्सप्रेस छूट गया मुंबई LTT क्योंकि शाम में ही कन्हैया कल लेट से आया था घर, इसीलिए। चलो कोई नहीं, मिलते हैं वहीं जाने के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।